दोस्तों, इस ब्लूटूथ पैनल को आप जानते होंगे, कभी ना कभी जरूर यूज किए होंगे। MP3 प्लेयर में ये ज्यादा लगा हुआ रहता है। इसमें 3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट के बीच में करंट इनपुट देते हैं, तो ये सही से वर्क करता है। अगर गलती से उससे ज्यादा इसमें करंट दे दिए तो ये एक ही बार में खराब हो जाता है। लेकिन इसको हम डायरेक्ट 12 वोल्ट पर चलाकर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्लियर आप देखिएगा, इसमें 5 वोल्ट लिखा हुआ है ओवर GND। ये 5 वोल्ट पर सही से वर्क करता है, लेकिन यहाँ पे 12 वोल्ट और GND लिखा हुआ है। तो इस पे डायरेक्ट अगर 12 वोल्ट जोड़िएगा तो ये नहीं वर्क करता है, ताकि इसमें जो एक रेगुलेटर जो IC लगाया हुआ रहता है वो इसमें नहीं लगा हुआ रहता है। इस जगह पे देखिएगा तो रेगुलेटर IC की जो जगह है बिल्कुल खाली है, इसके जगह पर कोई भी रेगुलेटर IC नहीं है, जो डायरेक्ट हम 12 वोल्ट पे चलाए इसको। तो इसके लिए हम अलग से एक रेगुलेटर IC जोड़ेंगे, जो बहुत प्रसिद्ध है, 7805। इस रेगुलेटर IC को इसमें कनेक्शन हम कर देंगे तो 12 वोल्ट से लेकर 35 वोल्ट के बीच में इसे बहुत आसानी से हम चला सकते हैं। तो इसका कनेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले ये दो स्क्रू दिया हुआ, इस दोनों स्क्रू को खोल लेंगे तो इसमें कनेक्शन करना आसान हो जाएगी। खोलकर इसको निकाल देंगे तो यहाँ पे देखिएगा रेगुलेटर IC लगाया हुआ रहता है। ये जो 12 वोल्ट का यहाँ पे सेक्शन है, यहाँ से जो 12 वोल्ट की प्रिंट आया हुआ है डायरेक्ट यहाँ पे आया हुआ है। ये 12 वोल्ट की सेक्शन है और ये 5 वोल्ट की सेक्शन है और ये आपका GND है, यानी माइनस का है। तो इसके जगह पर हम ये 7805 IC लगाने वाले हैं। तो इसको लेग को हम थोड़ा सा इस तरह मोड़ देंगे, ध्यान से देखिएगा, इस लेग को जो बीच वाला लेग है नीचे की तरफ मोड़ देंगे और इस पे हम यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। तो चलिए इस पे हम सोल्डिंग करके आपको दिखाएंगे। इसमें सोल्डिंग करने में थोड़ा दिक्कत है, लेकिन इतना हिसाब से सोल्डिंग कीजिएगा कि ये जो किट है, किट से बाहर इसका लेग नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो बाद में जब इसको इसमें फिट कीजिएगा तो सही से ये फिट नहीं हो पाएगा। तो ये 7805 IC को इस जगह पर कुछ इस प्रकार हम फिट कर दिए। देखिएगा, जो इसका बॉडी अर्थ रहता है कुछ इस प्रकार इधर रहेगा और एक लेग को यहाँ 12 वोल्ट इनपुट, जहाँ से ये वाला प्रिंट आया हुआ है, यहाँ इनपुट के लिए है, ये आउटपुट 5 वोल्ट के लिए है, और बीच वाला ग्राउंड रहता है, यहाँ पे ग्राउंड के साथ हम यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए है। तो इस 7805 IC का कुछ इस प्रकार यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा। अब इसको हम डायरेक्ट 12 वोल्ट करेंट देकर बहुत आसानी से चला सकते हैं। तो चलिए, इसको 12 वोल्ट करेंट के लिए यहाँ पे हम एक प्लस और माइनस की दो तार को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो इसमें प्लस और माइनस के लिए हम दो तार सोल्डिंग कर रही है, एक रेड और दूसरा में ब्लैक, और इसमें पहले जिस तरह फिट था सेम तरीका से इसको लगा देना है। इस प्रकार लगाकर इसमें दोनों स्क्रू को आसानी से कस दीजिएगा। तो इस तरह इसको हम फिट कर दिए। अब इसमें हम सप्लाई देंगे और साथ में मीटर में इसमें हम कनेक्शन कर देंगे, ताकि इसमें जब हम वोल्टेज यहाँ पे बढ़ाए, ये कितने वोल्ट तक इसमें करंट देने के बावजूद भी ये काम कर रहा है। तो चलिए, इसको हम कनेक्शन यहाँ पे कर देते हैं। ये सप्लाई है और मीटर की यहाँ पे प्रो को भी हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे इसका कनेक्शन हमने कर लिया और मल्टीमीटर में देखिएगा, बिल्कुल 0-0 वोल्टेज बता रहा है और ये वर्क भी नहीं कर रहा है। अब चलिए, इसमें हम सप्लाई देते हैं। जैसे यहाँ पे सप्लाई देंगे, ये देखिएगा ऑन हो गया। अभी मल्टीमीटर में आपको 6 वोल्ट दिखाई देता होगा। चलिए, हम यहाँ पे कम करके देख रहे हैं, 2 वोल्ट शो कर रहा है। थोड़ा सा आगे हम बढ़ाते जाएंगे, 3 वोल्ट पर वर्क नहीं कर रहा है, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट। जैसे 5 वोल्ट के करीब गया, ये देखिएगा यहाँ पे ब्लूटूथ पैनल वर्क करने लगा। उसके आगे भी हम यहाँ पे करंट बढ़ाते जा रहे हैं। आप मल्टीमीटर में भी देखिएगा और इस पैनल में भी आप देखिएगा, अभी 7-8 वोल्ट के करीब में चला गया और यहाँ पे सही से वर्क कर रहा है। 9 वोल्ट 10 वोल्ट के करीब चला गया, फिर भी सही से वर्क कर रहा है। 11 वोल्ट 12 वोल्ट, उसके आगे भी हम यहाँ पे बढ़ाते जा रहे हैं, 14-15 वोल्ट, उसके बाद भी आगे बढ़ा रहे हैं, 16 वोल्ट 17 वोल्ट, यानी 17.5 वोल्ट मेरा सप्लाई है। इससे ज़्यादा इससे हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 35 वोल्ट तक सही से वर्क करेगा। अभी 17.5 वोल्ट इस मल्टीमीटर में देख रहे हो और ब्लूटूथ पैनल बिल्कुल सही से वर्क कर रहा है। इस प्रकार दोस्तों, डायरेक्ट आप 5 वोल्ट से 35 वोल्ट तक इस ब्लूटूथ पैनल में करंट देकर इसे चला सकते हो। ऐसे तो इस 7805 IC को आप अलग से भी लगाकर इसको कनेक्शन तार जोड़कर भी कर सकते हो, लेकिन तार जोड़िएगा
थोड़ा दिक्कत होता है इधर उधर, लेकिन इसमें लगा दीजिएगा तो सबसे बेस्ट रहता है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को अगर मिला हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।